नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। मौसम वक्त हो गया है एमपी अब तक का शुरुआत कर रहे हैं भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां राजभवन पहुंचा जल जीवन मिशन का मामला। कांग्रेस ने राजभवन पहुंचकर शिकायत की है, लगाया है करोड़ों के घोटाले का आरोप। आज विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ था। कांग्रेस ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट तक कर दिया था और अब राजभवन पहुंच गया है जल जीवन मिशन का मामला और कांग्रेस ने राजभवन पहुंचकर शिकायत की है। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, राजभवन पहुंच गए कांग्रेस? अब विधानसभा में विपक्ष ने दोनों मुद्दे, नर्सिंग घोटाला और उसके साथ ही जल जीवन जो घोटाला है मिशन को लेकर जिसमें गड़बड़ियां हुई आर्थिक, उन दोनों मुद्दों को उठाया। विपक्ष ने इस मामले को जब सदन में उठाया और उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, उसके बाद विपक्ष हंगामा करता हुआ बाहर, सदन से बाहर आ गया, वॉकआउट कर दिया। उसके बाद इन्होंने आज राज्यपाल से समय मांगा। राज्यपाल से मिलकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हो, जयवर्धन सिंह हो और हेमंत कटारे जो नेता प्रतिपक्ष, सभी प्रमुख नेताओं ने राजभवन जाकर एक ज्ञापन सौंपा जिसमें वो सभी घोटाले जो चर्चित हैं जिनको लेकर लगातार सरकार कटघरे में, उनकी मांग जांच के लिए मांग उठाई कि कम से कम राजभवन एक निष्पक्ष जांच कराए और खास करके नर्सिंग घोटाले और दूसरा जो जल जीवन मिशन घोटाला, इस घोटालों की अलग से जांच की जाए, करवाई जाए, इसके निर्देश की मांग की और हस्तक्षेप करने की मांग की कि सरकार सदन में जवाब नहीं दे रही है तो इस पर अलग से जांच कराई जाए और जो भी इसके दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए शैलेंद्र। वहीं मध्य प्रदेश में 130 साल बाद नया कानून आया है। बंदीगृह विधेयक 2024 विधानसभा में पेश किया गया। सरकार प्रिजन एक्ट 1894 में बदलाव कर रही है। तो जेल में डिवाइस के इस्तेमाल पर 3 साल की सजा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल पर 5 लाख का जुर्माना और कैदियों को सुधारने के लिए खुली जेल बनाए जाने का प्रस्ताव। जेल विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। प्रिजनर्स वेलफेयर फंड का प्रावधान भी करने की बात कही गई है। तो 130 साल बाद यह नया कानून मध्य प्रदेश में बंदी गृह विधेयक 2024 को विधानसभा में पेश किया गया और सरकार जो प्रिजनर्स एक्ट है 1894 उसमें बदलाव कर रही है। नए कानून के अंतर्गत जेल में डिवाइस का इस्तेमाल करने पर 3 साल की सजा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल करने पर 5 लाख का जुर्माना, कैदियों को सुधारने के लिए खुली जेल बनाने का प्रस्ताव, साथ ही जेल विकास बोर्ड का गठन करने की बात नए कानून के अंतर्गत कही गई है। मध्य प्रदेश बीजेपी को नए प्रभारी मिले, सह प्रभारी मिले हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह होंगे एमपी बीजेपी के प्रभारी। मुरलीधर राव की जगह डॉक्टर महेंद्र सिंह लेंगे। सतीश उपाध्याय एमपी बीजेपी के सह प्रभारी बनाए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये लिस्ट जारी की है और एमपी बीजेपी को नए प्रभारी और सह प्रभारी मिले हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह को एमपी बीजेपी का प्रभार सौंपा गया है, वो मुरलीधर राव की जगह लेंगे। वहीं सतीश उपाध्याय होंगे एमपी बीजेपी के सह प्रभारी। धार भोशाला पर जैन समाज की याचिका को खारिज कर दिया गया है। जैन समाज ने भोशाला पर अपना दावा पेश किया था। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने खारिज की है याचिका। एएसआई सर्वे में जैन तीर्थंकर नेमीनाथ की 2 प्रतिमा मिली थी। प्रतिमा के आधार पर जैन समाज की ओर से याचिका दायर की गई थी। जैन समाज का यहां कोई दावा नहीं बनता है, ये कहना है हाईकोर्ट का और ये कहते हुए हाईकोर्ट ने जैन समाज की याचिका को खारिज कर दिया है। और अब बात करते हैं खंडवा की, जहां से पकड़े गए आतंकी फैजान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी फैजान ने फेमस होने की सनक की बात आतंकी फैजान पर कही गई है कि उसे फेमस होने की सनक थी। एटीएस की टीम के पहुंचने पर भी वो खुश हो गया था, उसे लग रहा था कि अब उसका नाम लोग जानने लगेंगे। फैजान के भाई इमरान ने ऐसे कई राज खोले हैं। इमरान के मुताबिक वो इंडियन मुजाहिदीन के फाउंडर यासीन और रियाज से बड़ा बनना चाहता था। यही नहीं, आतंकी भटकल का घर देखने के लिए वो कर्नाटक भी गया था।
सिमी आईएसआईएस से जुड़े खंडवा के ही रकीब की जब गिरफ्तारी हुई थी तब एसटीएफ की टीम का विरोध हुआ था। विरोध करने वालों में फैजान भी शामिल था। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर फैजान की गतिविधियां संदिग्ध थी और इसे देखकर रिश्तेदार घर वालों को फोन पर समझाया भी करते थे, समझाइश देते थे कि वो फैजान को वक्त रहते संभाल ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फेमस होने की सनक फैजान पर किस कदर सवार थी, इन बातों का जिक्र उसके भाई ने पूछताछ में किया है। यहां तक कि एटीएस जब वहां पहुंची उसके घर तो भी वो खुश हो गया था, उसे लग रहा था कि अब वो बड़ा नाम बन जाएगा, लोग उसे जानने पहचानने लगेंगे। उसको समझाते रहते थे हमेशा, बेटा बड़ा है, जवान हो गया, तू शादी करवा दिए, जिम्मेदारी को समझो। नहीं, वो सिर्फ हीरो बनने के चक्कर में रहता था, फेमस होने का था, और वो जिस तरह से मुस्कुराता हुआ घर से गया है, उसने ये सोचा कि अब मेरा नाम अखबारों में छप जाएगा, अब मेरा मकसद पूरा हो गया। फैजान 8 क्लास तक पढ़ा है, सबसे कम घर में वही पढ़ा है। ग्वालियर में ट्रैफिक जाम के दौरान सिपाही ने कार ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने पर एसपी ने सिपाही पर कार्रवाई करते हुए लाइन अटैच कर दिया, साथ ही मामले की जांच सीएसपी को सौंपी। एसपी ने माना कि सिपाही का आचरण सही नहीं दिखा, लिहाजा जांच के आदेश दिए गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। कार ड्राइवर को सिपाही ने थप्पड़ मार दिया था। आरक्षक द्वारा ट्रैफिक जाम के दौरान एक व्यक्ति से विवाद हो रहा है और विवाद के दौरान एक उसके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। चूँकि यूनिफॉर्म में होकर अनुशासन में होने के बावजूद इस प्रकार का कृत्य सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलने पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गंभीरता से लेते हुए उसको लाइन अटैच किया गया और उसकी जाँच CSP को दी गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से एसपी ने यहां पर थप्पड़ मारा है कार ड्राइवर को, उसके साथ उसकी बहस चल रही थी, उसे थप्पड़ मार दिया सबके सामने, और ऐसे में अब लाइन अटैच किया गया है। एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। और रुक करते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से आ रही है, जहां कार के शोरूम में आग लगने की जानकारी मिल रही है। भीषण आग यहां पर लगी है तेलीबांधा में, कार के शोरूम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। बड़ी खबर रायपुर से, तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये कार का शोरूम था जहां पर आग लग गई। ये धुआं और आग की लपटें देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहां पर भयानक आग लगी हुई होगी। और ये शोरूम है रायपुर में तेलीबांधा में, कार का शोरूम जहां आग लग गई, और जाहिर सी बात है कार का शोरूम है, ऐसे में यहां पर जो लगातार जो आग है वो फैलती जा रही है। ऐसे में आग को पूरी तरह से काबू करने में काफी मुश्किलें चुनौतियां भी फायर फाइटर्स के आगे आ रही हैं, और वक्त रहते यहां पर फायर फाइटर्स को बुला लिया गया, ये जानकारी मिल रही है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर लगाई गई है, आप चारों तरफ कार ही कार देख पा रहे हैं। दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है। यहाँ पर आप सीधे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के कर्मचारी जो हैं आग को देखते हुए जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं, दस्तावेज हैं और सामान हैं उसको निकाल रहे हैं ताकि किसी तरीके से आग से नुकसान ना हो। और ये सीधे शोरूम में जो है अंदर आग लगी है, कई गाड़ियां हैं। हालांकि कर्मचारी जो काम कर रहे थे वो आग लगने के तुरंत बाद निकल गए। आग क्यों लगी है इसका कारण अभी तक के प्रबंधन नहीं बता पा रहा है, लेकिन सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि बड़ी तेजी से आग जो है वो फैल रही है। यहाँ पर कई गाड़ियाँ रखी हुई है, उसके इक्विपमेंट रखे हुए हैं, कई मशीनरीज रखी हुई है। जैसे ही आग लगी यहाँ पर जो ज्वलनशील सामान थे और कुछ महत्वपूर्ण सामान थे उसको कंपनी द्वारा निकाला गया ताकि आग से नुकसान न हो। और यहाँ पर प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम पहुँच चुकी है जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर छत्तीसगढ़। शुक्ला की रिपोर्ट भी देखिए, जब मौके पर वो पहुंचे हुए हैं जहां पर ये आग लगी हुई है, उनसे अभी आगे की अपडेट भी लेंगे। फिलहाल वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरह से आग लगी हुई है, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। और देखिए ऊपर से ये धुआं बाहर निकलते हुए आग की लपटें यहां पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। कार का ये शोरूम है, बड़ी संख्या में यहां पर गाड़ियां हैं, मौजूद हैं, इसके अलावा कर्मचारी भी मौजूद हैं।
क्या स्थिति अभी आग को लेकर है वहां पर? क्या अंदर कोई फंसा हुआ है या वक्त रहते सब बाहर निकाल लिए गए? इसकी जानकारी अपडेट पूरी हासिल करेंगे हम आकाश से ही। और मौके पर अफरा तफरी आप देख सकते हैं, दो तस्वीरों में किस तरह से वहां पर अफरा तफरी मची हुई है। वो बता रही कि यहां पर सभी लोग बाहर निकलने में कामयाब रहे। क्या ऐसा है या अंदर कोई और फंसा हुआ हो सकता है? किस तरह से आग पर काबू पाया जा रहा है? दमकल की जो गाड़ियां पहुंची हैं वो काफी बताई जा रही है या कुछ और गाड़ियों को बुलाने की बात कही जा रही है? पूरी जो स्थिति है वो थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगी, लेकिन तस्वीरें आप यहां पर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कार के शोरूम में आग लगी और उसके बाद जो फायर फाइटर्स हैं, जो एम्बुलेंस है वो यहां पर बुलाई गई और अब लगातार इस आग को कंट्रोल करने की कोशिशें हो रही हैं। दमकल की गाड़ी को आप देख सकते हैं, वहां लोगों की अफरा तफरी, जो ऊपर के हिस्से में जो आग की लपटें हैं वो साफ देखी जा सकती हैं, धुआं नजर आ रहा है। ऐसे में ये लग रहा है कि ऊपर के हिस्से में आग लगी हुई है, लेकिन गाड़ियां हैं, ऑटो पार्ट्स हैं वहां पर, तो ऐसे में लगातार जो आग है वो फैलती चली जा रही है। कंट्रोल करने में मुश्किलें भी हैं, चैलेंजेस भी अपने आगे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं फायर फाइटर्स को जो इक्विपमेंट निकाल रहे हैं आग को कंट्रोल करने में, जो उनके काम आएंगे। सामान किस तरह से बाहर निकाला गया है वो भी आप, जो कर्मचारी हैं इस शोरूम के, उनको आप देख पा रहे हैं, ब्लू कलर की यूनिफॉर्म में है वो। और बाहर पुलिसकर्मी, फायर फाइटर्स, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। रायपुर में ये कार का शोरूम जहां पर भीषण आग लग गई, तेली बांधा में ये शोरूम है जहां पर आग लगी हुई है। तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं आग की लपटें और दूसरी तस्वीर में आप धुएं का गुबार देख पा रहे हैं और धुएं को देखकर आप समझ सकते हैं कि यहां पर कितनी भयानक आग लगी हुई है। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कर्मचारियों को जो सामान जितना उनके बस में है वो बाहर निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। गड्ढा है ना, उस गड्ढे से पानी घुसवाना था अंदर। तो फायर फाइटर्स मौके पर डटे हुए हैं, आग को काबू करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अपने चैलेंजेस उनके सामने हैं और कड़ी मशक्कत का सामना करना उन्हें पड़ रहा है। तेली बांधा में ये कार शोरूम जहाँ पर बड़ी संख्या में गाड़ियाँ थी, कर्मचारी काम कर रहे, देखिए यहाँ देखिए, ये समझ सकते हैं आप कि कितनी भयानक यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। आग पूरे जो ऊपरी हिस्सा है उसको आग ने अपनी चपेट में लिया हुआ है, धुआं लगातार उठता हुआ आप देख सकते हैं, आग की लपटें आपको दिखाई दे रही हैं, ड्रम्स यहाँ पर रखे हुए हैं, सामान को बाहर निकाल कर हटाया जा रहा है। उन कर्मचारियों को आप इस मशक्कत को करते हुए देख सकते हैं। ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको वहाँ की जो स्थिति है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी वहाँ पर सिचुएशन क्या है, असली वास्तविकता में वहाँ पर कितनी विकट स्थिति बनी हुई है, ये बताएंगे हमारे सहयोगी जो वहाँ पर डटे हुए हैं और उनकी रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई। संपर्क करने की कोशिश लगातार उनसे हमारी जारी है, लेकिन ये कार का शोरूम जहाँ पर आग लगातार फैलती चली गई, क्योंकि बड़ी मात्रा में ऑटो पार्ट्स यहाँ पर रखे हुए थे, इस तरह का सामान था जो जल्दी आग को पकड़ लेता है, तो आग लगातार फैलती चली गई। तीन अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको समझा रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। तेली बांधा में ये कार का शोरूम, मौके पर अफरा तफरी, नीली वर्दी में आपको कर्मचारी नजर आ रहे हैं जो लगातार भागते हुए सामान को बाहर निकालने की मशक्कत करते हुए जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। एम्बुलेंस मौके पर बुलाई गई है, फायर फाइटर्स डटे हुए हैं। और देखिए ये जो आपको एरियल शॉट दिखाई दे रहा है बीच में जो है, ऊपर से आप देख सकते हैं वहां पर कितनी अफरा तफरी मची हुई है, अंदर से सामान बाहर फेंका जा रहा है। आगे पीछे पीछे दरारें आ रही हैं, पीछे पुलिस के अधिकारी हैं, पीछे लोगों को दूर भगा रहे हैं यहाँ से। और पीछे पीछे सर्विस सेंटर है, वहाँ गिर जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो आप लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ऊपर का जो हिस्सा है इस फैक्ट्री का, वहां पर ज्यादा
आग दिखाई दे रही है कि आग की लपटें हैं, धुआं वहीं से निकलता नजर आ रहा है और ऐसे में इस फैक्ट्री शोरूम में, कार के शोरूम में क्या कोई अंदर फंसा हुआ है इसको लेकर अभी तक कोई कुछ नहीं कह पा रहा है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। आग कैसे लगी अभी ये भी जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन पहली कोशिश है आग पर काबू पाने की, कि आग पर काबू पाया जाए। और आप ड्रम्स रखे हुए यहाँ पर देख सकते हैं, जो कर्मचारी हैं सामान को बाहर निकाल कर ला रहे हैं, जितना हो पाए संभव उस सामान को कंट्रोल बचाने की कोशिश इस आग के जरिए कर रहे हैं कि इस आग में वो सामान बच जाए। तेली बांधा जहां पर ये आग लगी है, कार का शोरूम पूरी तरह से यहां पर आग में घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। आग की लपटें, धुएं का गुबार बता रहा है कि वहां पर समय जो हालात हैं बेहद ही गंभीर बने हुए हैं। लोगों के बीच अफरा तफरी और यहां पर क्या कुछ और फायर फाइटर्स को बुलाने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्या कुछ और गाड़ियां दमकल विभाग की बुलानी पड़ेंगी। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस आप देख सकते हैं जो मौके पर बुलाई गई थी। तो ऐसे में कैजुअल्टी को लेकर भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्या कोई अंदर फंसा हुआ है, कोई इस आग में झुलसा है, इसको लेकर पुख्ता तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन ये बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर क्या चल रहा है, किस तरह की अफरा तफरी बनी हुई है। कर्मचारी यहां पर सदमे में है कि ये अचानक से आग कैसे लगी, और उसके बाद मशक्कत करते हुए शोरूम के कर्मचारी जो सामान जो जिस हिस्से में बचा हुआ रह गया है उस सामान को बाहर निकालते हुए देख सकते हैं। फायर फाइटर्स मौके पर पहुंच चुके हैं जो आग को काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। आग लगी हुई है, तीन तस्वीरों में अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, एम्बुलेंस बुला ली गई है मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए। और इन अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर आग लगने के बाद अफरा तफरी मची है। आकाश शुक्ला जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जिनकी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, वो जुड़ गए हमारे साथ। आकाश बताएं अभी वहां पर क्या स्थिति है, क्या देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये रायपुर के तेली बांधा का मारुति सुजुकी शोरूम है और यहां पर जो आग लगी है वो सीधे तस्वीर आप देख सकते हैं। आग अचानक लगी, कारण क्या है इसकी जानकारी अब नहीं लग पाई है। प्रबंधन का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से संभवतः आग लगी है, और ये सीधे जो तस्वीर है वो आग तेजी से फैल रही है, दमकल की गाड़ियां पहुंची है और वो लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। पुलिस प्रशासन की टीम जो मौके पर पहुंचकर व्यवस्था बनाने में जुटी है, और ये सीधे वहां से गोदाम की तस्वीर है। कई दस्तावेज थे यहां पर शोरूम के और कई इक्विपमेंट थे जिसको बाहर तेजी से निकाला गया, और जिस तरीके से आग तेजी से बल रही है वो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। दीवार में दरारें आ गई है, दीवार भी कभी भी गिर सकती है। मैनेजमेंट का कहना है कि यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट रखे हुए हैं कार के, इसके अलावा फाइल है, नीचे ऑफिस का संचालन होता था उसके ऊपर भी जो है वो शोरूम के सामान और कुछ ऑफिस भी संचालित हो रहे थे। अचानक से आग शाम को लगी और धीरे धीरे ये धधकने लगी, सीधे तस्वीर आप देख सकते हैं। आकाश ये बताएं कि कहीं कोई अंदर तो फंसा हुआ नहीं है, क्या सभी कर्मचारी वक्त रहते बाहर निकाल लिए गए? जी बिल्कुल, जिस समय आग लगी यहाँ पर कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे, जैसे ही आग लगते हुए देखा इसके बाद कर्मचारी जल्दी से बाहर निकल गए। किसी भी तरीके से कोई कर्मचारी यहाँ पर फंसे हुए नहीं है, जो कर्मचारी निकल गए वो व्यवस्था बनाने में जुट गए और लगातार जो है आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। देखिए हमारे सामने एक्सप्रेसवे की वो तस्वीर किस तरीके से लोगों का हुजूम भी यहाँ पर
जो आग को देखने के लिए भीड़ एक तरीके से उमड़ पड़ी है और व्यवस्था बनाने में जो है वो प्रशासन जुटी हुए है, लगातार इस पर काम चल रहा है। कोशिश यही है कि किसी तरीके से ज़्यादा नुकसान ना हो, आग पर काबू पा लिया जाए और इसी की कोशिश जो है वो चल रही है। जी बिल्कुल। और कितनी यहाँ पर दमकल की गाड़ियां हैं जो लगी हुई हैं, समय फायर फाइटर्स लगे हुए हैं, और साथ ही ये बताएं कि क्या कहा जा रहा है अधिकारियों की ओर से, क्या कुछ और गाड़ियां फायर फाइटर्स की बुलाने की जरूरत है यहाँ पर? जी बिल्कुल, अभी एक दमकल की गाड़ियां आप सीधे तौर पर देख सकते हैं जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा और जो दमकल की गाड़ियां हैं, जरूरत के हिसाब से उनको सूचना दे दी गई है, वो भी पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जो है वो एम्बुलेंस और टीम आ गई है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। और बैरिकेड, चूंकि ये मेन सड़क है, यहाँ पर यातायात भी काफ़ी बाधित होता है, ऐसे में पुलिस प्रशासन की टीम भी पहुंची है, व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है। मेन एरिया है तो और भी कहीं बिल्डिंगों में आग ना लगे, आग फैले ना। आकाश, जाहिर तौर पर वहाँ मौके पर इस समय काफी अफरा तफरी की स्थिति है, और क्या आपके लिए ये मुमकिन हो पाएगा कि आप किसी से बातचीत कर पाए, कोई कर्मचारी हो, कोई अधिकारी हो जो बात कर पाए, बता पाए? जी, हमने बात करने की भी कोशिश की और किसी तरीके से भी व्यवस्था बनाने में जुटे हुए, इसलिए वो किसी तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन चर्चा करते हैं आग किस तरीके से अभी किसी तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था बनाने में सीधे तौर पर जुटे हुए हैं और कुछ कहने से भी बच रहे हैं। आग कैसे लगी इसकी भी जानकारी मैनेजमेंट को नहीं है। फिलहाल उनकी ये कोशिश है कि जैसे भी वो दस्तावेज को समय पे निकाल लिया जाए, जो इक्विपमेंट जितना बचाया जा सके उसको बचा लिया जाए, इसकी ही कोशिश चल रही है। और देखिए, ये सीधे यहाँ पर जो कार्टून पड़ा हुआ है और कई दस्तावेज अंदर से निकाले गए हैं, उसको भी ले जाया गया है, और आग पर जो है वो काबू पाने की कोशिश जो है वो लगातार अभी जारी है। जी, लगभग कितने बजे के आसपास यहाँ पर आग लगी थी और उसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, और अब कितना और समय लग सकता है? क्या आप, क्योंकि आप मौके पर हैं, आप देख पा रहे हैं वहां पर स्थिति कितनी गंभीर है, तो क्या नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है, आग पर जो काबू है वो कुछ समय में पा लिया जाएगा, इस तरीके से जो है वो पुलिस प्रशासन का कहना है, क्योंकि दमकल की गाड़ियां भी हैं और भी गाड़ियां मंगाई जा रही है, और जो है अंदर भी कुछ जो प्रशासनिक कर्मचारी वो गए हुए हैं। आग जिस तरीके से तेजी से जो भड़क रहा था, धधक रहा था, वो अब कम होता दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर में जो है अभी भी आग जो है लगी हुई है, कुछ दस्तावेज जल गए हैं। इसके अलावा जो मशीनरीज थी, वो गाड़ियों के पार्ट्स थे, वो जल चुके हैं। ये वो सारी चीज़ें जो है उनको भी जो है कोशिश है कि कम से कम नुकसान हो, इस पर ही जो है ध्यान दिया जा रहा है। जी आकाश, तस्वीरों में नजर जो आ रहा है वो शोरूम के ऊपरी हिस्से से लगातार हम देख रहे हैं कि आग की लपटें उठ रही हैं, धुआं बाहर निकल रहा है, क्या ऊपरी हिस्से में ही पहले आग लगी थी उसके बाद आग फैलती चली गई? जी बिल्कुल, ये जो है ये बिल्डिंग है और इसके नीचे ऑफिस का संचालन होता था। आप सीधे वो तस्वीर भी दिखाते हम चलेंगे, नीचे जो है बिल्डिंग था, इसमें ऑफिस का संचालन हो रहा था, इसके ऊपर जो है इक्विपमेंट रखे हुए, तो साथ में ऑफिस भी था। अचानक से जब आग लगी तो यहाँ पर कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे, वो निकल कर जल्दी से भागे, वहाँ पर अपने खुद को बचाए, इसके बाद इसकी सूचना जो है प्रबंधन को दी गई थी। तब तक इतनी तेजी से लौ फैलने लगा था, जिसको नॉर्मल पानी से या व्यवस्था से काबू कर पाना जो है वो संभव नहीं था, लेकिन जैसे ही आग बढ़ता गया, वो दमकल की गाड़ियों को सूचित किया गया और इसके बाद आनन फानन में दमकल की गाड़ियां जो है वो पहुंची है और आग पर काबू पाने में लगी हुई है। जी बिल्कुल, तस्वीरें यहां पर बता रही हैं कि किस तरह से मौके पर अभी सभी जो चेहरे हैं परेशान दिखाई दे रहे हैं और सभी यहां पर व्यवस्था को बनाए रखने में ही जुटे हुए हैं, तमाम अधिकारी हैं जो कंपनी में काम करते होंगे, कर्मचारी हैं। लगभग कितनी संख्या में वहां जिस समय आग लगी लोग मौजूद रहे होंगे आकाश, इसको लेकर कोई इनपुट?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से सूचना है, ये शहर के मुख्य जगह पे जो है ये शोरूम है और काफ़ी भीड़ रहती है। मारुति का शोरूम है, सर्विसिंग कराने के लिए लोग पहुंचते हैं। इसके अलावा गाड़ियों की जो है बिक्री होती है, तो तमाम जो लोग थे यहाँ पर करीब 200 से ज़्यादा लोग की मौजूदगी थी कर्मचारियों के समेत। जब आग लगी तो सभी जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर निकले। इसके बाद जो है व्यवस्था बनाने में लगातार यहाँ पर बनाई जा रही है। आकाश हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जहां पर आग लगी हुई है उसी कैंपस से मौजूद है, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। उनके साथ जो उनके वीडियो जर्नलिस्ट है और इन दोनों के ही माध्यम से आप तक वहां की तस्वीर हम पहुंचा रहे हैं। आकाश अभी फिलहाल धन्यवाद आपका, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।